सेवा बाधित हुई है, बंद हुई है, इसके पीछे रीजन क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं। मुहर्रम पर्व के अवसर पर शांति सद्भाव बनाने की हम जिला वासियों से अपील करते हैं और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिले में सभी जगह पूर्ण रूप से शांति है और हम लोग प्रशासनिक सतर्कता बरत रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाए गए हैं और जो कोई असामाजिक तत्व हैं उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 107 के तहत कार्रवाई की गई है और सभी संवेदनशील जगहों पे पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और अभी वर्तमान में जिले में सभी जगह हम लोगों का शांति है पूर्ण रूप से और कहीं पे भी अप्रिय कोई भी घटना की खबर नहीं है। जहाँ तक इंटरनेट की इंटरनेट को सस्पेंड किए जाने का प्रश्न है तो जिले में कुछ दिन पहले एक तो तनाव की खबर आई थी, उसको कई लोग सोशल मीडिया पे गलत तरीके से उसको प्रचारित प्रसारित कर रहे थे जिससे कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका थी। इसी के मद्देनज़र सोशल मीडिया को और इंटरनेट को सस्पेंड करने के लिए अनुरोध किया गया। एक लेटर आधिकारिक रूप से वो वायरल हो रहा है, मतलब नेट बंद होने से पहले वायरल होता है, इसमें वो बताया गया था कि इंटरनेट सेवा बाधित नहीं है बल्कि जो सोशल साइट है उन लोगों को बाधित किया है, इसमें कोई अंतर है क्या दोनों चीज़ में? टेक्निकली अगर देखें तो जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं वो तकनीकी रूप से तभी चल पाते हैं जब इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो मोस्टली इंटरनेट बंद करके ही उन सेवाओं को स्थगित किया जाता है, तो उसी कड़ी में ये कार्य हुआ है। जहाँ जहाँ से घटनाएं घटी थी वहाँ की क्या स्थिति और वहाँ क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? वहाँ पे हम लोग शांति समिति की बैठक किए, सभी समुदाय के लोगों से बात की और सब लोगों ने इस बात को रियलाइज किया है कि बहुत छोटे छोटे बात पे लोगों में आपस में तनाव बढ़ा और अभी वहाँ पे पूर्ण रूप से शांति है, कहीं भी कोई तनाव की बात नहीं। फिर भी एहतियातन हम लोग वहाँ पे दंडाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की। इंटरनेट से बंद कर दिया, क्या शहर में कहीं निषेधाज्ञा भी लागू की गई है इसके लिए क्या? नहीं, शहर में निषेधाज्ञा नहीं लागू की गई है, परंतु जितने भी संवेदनशील स्थल हैं उसमें त्यौहार के मद्देनज़र दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट की सेवा है उसके संदर्भ में जो सोशल मीडिया पे लोग गलत तरीके से खबर चला रहे हैं बिना फैक्ट्स का सत्यापन किए हुए, उससे जो तनाव बढ़ने की आशंका थी उसी के मद्देनज़र ये कदम उठाया गया है। सर, कल प्रतिपक्ष नेता आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सबके शरीर पर प्रसाद किया गया, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, मैं यही बात का आग्रह आप सब लोगों से करना चाहूँगा, वहाँ पे हमारे पदाधिकारी भी मौजूद थे, पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है, बिना किसी भी फैक्ट्स का सत्यापन किए हुए इस प्रकार के कोई भी वक्तव्य तनाव को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों से, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कि जो भी फैक्ट्स हो उसको इस प्रकार से न प्रस्तुत किया जाए जिससे कि सामाजिक तनाव बढ़े। मैं आप सब लोगों से शांति सद्भाव अमन और भाईचारा के लिए अपील करना चाहता हूँ। पर्टिकुलर इस केस की जांच हो रही है, इस बिंदु पे जांच हो रही है क्या, जांच के आदेश दिए या फिर इसे खारिज कर दिया जाए, ऐसी कोई घटना हुई नहीं, क्या नज़र आ रहा है? नहीं, जो भी हमारे पास शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसको सभी एंगल से, इस पर आपको वरीय पुलिस अधीक्षक विस्तार में बताएंगे, सभी एंगल से देखा जा रहा है, अत्याधुनिक जितने भी अनुसंधान की मेथडोलॉजी है उस सबको अपनाया जा रहा है, जो भी फैक्ट्स है वो सबके सामने आएगा, अनुसंधान से जो चीज़ें निकल के आएगी, लेकिन अनुमान आधार पे भावना भड़काना कहीं से भी उचित नहीं।